सो आई गेस देख सकते हो तुम लोगों को गन्ने वालों का इनक्यूबेटर का सस्ता नशा कैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ। अच्छा मजा तो आ ही रहा होगा क्योंकि तुम लोगों को तो भाई एक ब्लू प्रिंट में इतना रेयर बटल दे रहे हैं। ये बिक गई है गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट में कुछ नहीं है ये बहन चो, सारे मिलके हमको पागल बना रहे मादर चोत के बच्चे। कर देखो इंक्यूबेटर तो हम लोग खुलासा करेंगे कि भाई तुम लोगों को घर वालों ने किस तरीके से पागल बनाया, पर आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले आप लोगों के विंटर स्पेशल लाइसेंस मोर टॉप अप इवेंट के बारे में, कब तक आप लोगों को हमारे इंडिया सब पर नजर आने वाला है। साथ ही में हम लोग बात करेंगे टू नाइट अपडेट एंड न्यू लकी व्हील स्पेशल डिस्काउंट इवेंट के बारे में। इसके अलावा आप लोगों को हमारे इंडिया सब पर दो नए इमोट नजर आने वाले वो आप लोगों को बताऊंगा, एंड और भी काफी सारी नई अपडेट्स आज की वीडियो हम लोग ले लेकर आए हूं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट होने वाली है, इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर से देखते रहना। और हमें एक तरह वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहने वाली है, अगर आप लोगों को वीडियो जरा भी पसंद आती है वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आ रही चैनल का सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो क्योंकि मैं आप लोग के लिए इसी तरह की वीडियोस हमेशा लेकर आता रहता हूं। सो अगर आप लोग ये दोनों काम मेरे लिए कर चुके हो तो बिना किसी देरी के हम लोग जल्दी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो मालूम है मुझे मेरी टोनाइट अपडेट गलत लग गई, जो मैंने आप लोग इंक्यूबेटर के बंडल बताए थे वो नहीं देखने को मिले, लेकिन गाइस इस बार पहली बार आप लोगों को मेरे इंक्यूबेटर में सिर्फ दो ही बंडल देखने को मिले, और वो दो भी कौन से गिरने वालों का कहना है कि भाई हम लोग तीन ब्लू प्रिंट की जगह आप लोग को ये बंडल भाई एक ही ब्लू प्रिंट में दे रहे हैं। सो ले दे के मतलब यही कि भाई आप लोग इसके अंदर डायमंड लगाओ और भाई आप लोग सारे डायमंड खर्च कर दो, जब आप लोग एलीट पास के बंडल रिटर्न देखने को मिले तो आप लोग फिर से टॉप अप करो। अब देखो तुम्हारी जानकारी लिए बता दूं कि जो इंक्यूबेटर के बंडल है एक साल पहले हमारे इंडिया सर के लिए निकल कर आ चुके थे, अगर आप लोग यकीन नहीं है तो यहाँ पे आप लोग इवेंट देख लीजिए। तो बाहर के सभी सर पर लगभग एक साल पहले ये बंडल गिरने वाले दे दिया, लेकिन हमारे इंडिया सर एक साल बाद भाई आप लोग इंक्यूबेटर में थमा रहे हैं, और ऊपर से ये और बोल रहे हैं कि भाई आप लोग को हम तीन ब्लू प्रिंट की जगह एक ही ब्लू प्रिंट में वाला बंडल दे रहे हैं, तो आप लोग फटाफट से निकाल लो। पर गाइस असल बात तो यही है कि जब आप लोग गेम का सिस्टम यूआई भी चेंज नहीं होता, पुराना यूआई था आप लोग के गेम में, तब का ये इवेंट है भाई, तभी आप लोग हमारे इंडिया सर देखने को मिलना चाहिए था, लेकिन गन्नवालों ने आप लोग को नहीं दिया। सो ले देखिए मतलब कि भाई आप लोग को पुराना माल सस्ते में चिपका रहे हैं, और गन्नवालों ने भी नहीं सोचा होगा ना तुम्हारे मन्नू भाई ने भाई ऐसे इवेंट को भी संभाल के रखा हुआ है तुम लोगों के लिए, ताकि जब भाई गन्नवाल ने तुम्हारे साथ ऐसा कोई स्कैम करे तो मैं आप लोगों को बता सकूं। खैर जो भी है एक ब्लू प्रिंट में आप लोगों को बंडल मिल रहा है, और भाई आप लोग इंक्यूबेटर वाउचर से भी स्प्रिंग कर सकते हैं। वैसे मुझे पता है कि भाई आप लोग इंक्यूबेटर के वाउचर पहले एक्सपायर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी आप लोग कर सकते हो इंक्यूबेटर वाउचर से स्प्रिंग अगर आप लोग के पास पड़े हैं तो। सो निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, बाकी अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो गाइस आप लोग के लिए दो नए इमोट निकल कर आ रहे हैं, पहला इमोट गाइस आप लोग यहां पर देख सकते हो कुछ इस तरीके का नियॉन साइन वाला इमोट आप लोग को फेडरविल इनो देखने को मिल जाता है। अब देखो यार ये जो इमोट है भाई आप लोग के बुए पास के थीम पर है, मतलब कि मैंने आप लोग को बुए पास का रिव्यू कराया था तो भाई आप लोग को उसमें नियॉन थीम पर सभी रिवार्ड्स देखने को मिल रहे थे, तो भाई ये इमोट भी आप लोग के बुए पास के थीम पर ही है। एंड हो सकता है जब हमारे इंडिया सब बुए पास आएगा जनवरी मंथ में तो आप लोग कुछ इस तरीके का फेडरविल इनो ये वाला इमोट देखने को मिल जाए। एंड साथ ही मैं आप लोग को बता दूं ये एक लीड इमोट होने वाला है, मतलब कि आप लोग इस इमोट को अपने टीममेट के साथ भी ज्वाइन कर सकते हो, जिस तरह कोबरा बंडल के डांस वाले इमोट का आप लोग ज्वाइन कर पाते हो। अब देखो या तो भाई आप लोग को फेडरविल इवेंट देखने को मिल जाएगा, या इसके लिए एक वेब इवेंट भी निकल कर आ रहा है, एंड उसी के साथ में आप लोग को एक और दूसरा नया इमोट मैं आप लोग को बता देता हूं। आप लोग यहां पर देख सकते हो ये जो गेमिंग डाइस इवेंट है बहुत पहले हमारे इंडिया सब पर आया करता था, लेकिन आजकल शायद आप लोग को देखने को मिलता ही नहीं है, बहुत टाइम हो चुका है इस इवेंट को हमारे इंडिया सब पर आए हुए। तो इस गेमिंग डाइस इवेंट में गाइस आप लोग को दो नए इमोट देखने को मिल रहे हैं, एक तो गाइस आप लोग वही नियॉन साइन वाला इमोट देखने को मिल जाता है, एंड गाइस एक यहां पे आप लोग को जंगल वाला इमोट दिया गया जिसमें भाई बॉल वगैरह उछालता है। बाकी यहां पे आप लोग को और कुछ पुराने इमोट देखने को मिल जाता है जो कि ऑलरेडी हमारे इंडिया सब पर आए हुए हैं। तो हो सकता है गाइस या तो भाई आप लोग कुछ इस तरीके के गेमिंग डाइस इवेंट में ये दोनों इमोट देखने को मिल जाए, अगर इस तरीके के इवेंट देखने को नहीं मिलते हैं तो आप लोग को फेडल विल वगैरह दिए जाएंगे। सो इन शॉर्ट में बोलो तो गाइस ये दोनों इमोट भाई आप लोग के अपकमिंग इमोट हो सकते हैं, मतलब कि आप लोग को जब न्यू ईयर इवेंट देखने को मिलेगा तो क्या पता इमोट पार्टी इवेंट में भी लीड इमोट देखने को मिल जाए। खैर देखो वीडियो आगे बढ़ते हैं, बात करें आप लोग के विंटर स्पेशल लकी व्हील डिस्काउंट इवेंट के बारे में। तो आप लोग ये तो जानते हैं हमारे इंडिया सब फुटबॉल इवेंट की लॉगिन स्क्रीन सब कुछ वगैरह देखने को मिल चुके, लेकिन अभी तक ना तो गरेनवालों ने इवेंट स्टार्ट किया, ना ही भाई किसी तरीके का आप लोग को इवेंट इंटरफेस दिया है, और ना ही भाई किसी भी तरीके का हमारे इंडिया सब इवेंट स्टार्ट हुआ है। तो इससे पॉसिबिलिटीज है कि भाई हमारे इंडिया सब आप लोग को फुटबॉल इवेंट देखने को मिल जाए, एंड जिन सर्वर पर फुटबॉल इवेंट देखने को मिल रहा है तो गाइस यहां पे आप लोग के लिए एक लकी व्हील इवेंट भी निकल कर आ चुका है, आप लोग यहां पर देख सकते हो। अब इस लकी व्हील इवेंट में गाइस आप लोग को हमारे क्रोनो कैरेक्टर के या क्रोनो इवेंट के सारे रिवार्ड्स देखने को मिल जाते हैं, एंड आप लोग को पता है फुटबॉल कहीं ना कहीं क्रोनो से संबंधित है, मतलब यार क्रोनो से रिलेशन है फुटबॉल का, तो भाई हो सकता है कुछ इस टाइप का आप लोग को फुटबॉल इवेंट देखने को मिले, तो इस टाइप का लकी व्हील इवेंट भी हमारे इंडिया पर आ जाए, जिसमें आप लोग क्रोनो कैरेक्टर के मतलब क्रोनो इवेंट के जितने भी रिवार्ड थे, मतलब कि यार हर एक चीज यहाँ पे डाली गई है, ऐसा कोई भी रिवार्ड नहीं होगा जो भाई क्रोनो इवेंट का नहीं डाला गया, तो आप लोग को ये सारे क्रोनो के रिवार्ड्स इस तरीके के लकी व्हील इवेंट में हमारे इंडिया पर दिसंबर मंथ में देखने को मिल सकता है, अगर फुटबॉल इवेंट हमारे इंडिया पर आता है तो। बाकी देखो फुटबॉल इवेंट को लेकर मैं और ज्यादा कुछ भी नहीं बोलूंगा, करने वालों ने भाई सस्ते नशे करने बंद नहीं किया, अभी इंक्यूबेटर के साथ किया, फुटबॉल इवेंट के साथ कर रहे हैं, और पता नहीं कब तक करेंगे, तो आप लोग जानो एंड करने वाले जाने भाई हमारे इंडिया पर कौन सा नया इवेंट आएगा। मेरे को भाई कोई भी लीक नहीं मिल रही है, अगर कुछ लीक या अपडेट मिलेगी तो मैं आप लोग आने वाले वीडियोस में जरूर से बता दूंगा। जो भी इसके बाद मैं आप लोग को बताने वाला हमारे लेस इज मोर टॉप अप इवेंट के बारे में, टू नाइट अपडेट के बारे में, एंड और कुछ न्यू अपकमिंग इवेंट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक मेरे वीडियो पे बने और आपको वीडियो पसंद आ रही वीडियो को लाइक कर दीजिए, और देखो तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, आप लोग को बहुत ज्यादा वीडियो पसंद भी आती है, आप लोग वीडियो को लाइक भी कर देते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो कर लेना यार सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं आप लोग ऐसी कोई भी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आऊंगा तो भाई आप लोग को नोटिफिकेशन भी आ जाती है और आप लोग कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाते हो। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करें आप लोग नेक्स्ट अपडेट करें जो कि आप लोग
न्यू टोकन टावर इवेंट के लिए निकल कर आ रही है। यूं कह लो कि भाई आप लोग के न्यू लेजेंडरी बॉटल के लिए निकल कर आ रही है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके का आप लोग के लिए नया टोकन टावर इवेंट निकल कर आ चुका है, जिसमें आप लोग को एक ओपी वाला बंडल दिया गया एंड भाई एनिमेशन बहुत ही खतरनाक आप लोग इसमें देखने को मिल जाता है। अब देखो यार काफी कमाल का बंडल होने वाला है, भले ये ईओ बंडल की तरह नहीं है, आप लोग इसे अपग्रेड करने की भी जरूरत नहीं है। तो यार ईओ बंडल को अपग्रेड करना पड़ेगा, बहुत सारे डायमंड लग जाएंगे, लेकिन ये बंडल कहीं ना कहीं मेरे को ठीक लगा है। सो मैं तो बोलूंगा ईओ बंडल को निकालने से अच्छा आप लोग इस बंडल को निकाल सकते, इसमें कम डायमंड में आप लोग का ज्यादा काम हो जाएगा, मतलब अच्छा लेजेंडरी लुक आप लोग देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आप लोग को कुछ नॉर्मल से रिवार्ड्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि भाई एक वुड पिकर की गन स्किन दी गई है एंड भाई यहाँ पे आप लोग को एक लेजेंडरी बैकपैक स्किन देखने को मिल जाती है। एंड मैं आप लोग को बता दूं, जिस तरह भाई आप लोग के इनक्यूबेटर के बंडल इतने टाइम बाद हमारे इंडिया से पाए, तो हो सकेगा इस बंडल के साथ आप लोग की वाली बैकपैक स्किन देखने को मिल जाए, क्योंकि जो बैकपैक स्किन है बहुत टाइम से हमारे इंडिया सर के लिए आई हुई है लेकिन इंडिया सर पर दी नहीं गई है। तो क्या पता है जब हमारे इंडिया सर पर ये वाला बंडल आए तो आप लोग की वाली बैकपैक स्किन भी देखने को मिल जाए। बाकी ये टोकन टावर इवेंट भी कंफर्म नहीं है, मैं आप लोग को बता दूं, हो सकता है किसी वेब इवेंट में आप लोग ये वाला बंडल देखने को मिले, लेकिन जिसमें भी देखने को मिलेगा बहुत सारे डायमंड आप लोग को खर्च करने पड़ेंगे। देखो बात करें आप लोग की टू नाइन अपडेट के बारे में, तो गाइस आप लोग को पता है आज हमारा नेक्स्ट टॉप इवेंट आने वाला है एंड आप लोग को ये भी पता है कि जब भी भाई टॉप इवेंट आते हैं तो लास्ट टाइम भी कंफर्म हो पाता है, वैसे कभी कभी कंफर्म भी नहीं हो पाता है, लेकिन मैं आप लोग को हमेशा ही बताता हूँ कि टॉप इवेंट कौन सा आने वाला होता है। पर इस बार गाइस देखो इस बार का टॉप इवेंट आप लोग का कंफर्म हो ही नहीं पाया, क्योंकि पहली बात हमारे इंडिया सर पर फुटबॉल इवेंट नहीं आया, अगर फुटबॉल इवेंट आता था तो मैं आप लोग को कुछ कंफर्म कर पाता था कि भाई आप लोग को फुटबॉल इवेंट के थीम पर ये टॉप इवेंट देखने को मिलेगा। लेकिन देखो अब क्योंकि फुटबॉल इवेंट स्टार्ट नहीं हुआ तो आप लोग को फुटबॉल इवेंट के थीम पर शायद टॉप इवेंट देखने को नहीं मिले, फिर भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिए एक ग्लोरियस स्किन आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाती है एंड गाइस एक और यहाँ पे आप लोग को रिवार्ड दिया गया, तो हो सकता है भाई ये वाली ग्लोरियस स्किन आप लोग फुटबॉल इवेंट के तो ये देखने को मिल जाए, बाकी इसके चांसेस बिल्कुल नहीं है, मतलब नेक के बराबर ही है। और दूसरे पेंडिंग टॉप इवेंट के बारे में बात करें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इसमें गाइस आप लोग एक ग्रेनेड की स्किन दी गई है, तो ये भी आप लोग फुटबॉल इवेंट के इसको तो भूल ही जाओ, बट यहाँ पे आप लोग जो कटाना की स्किन देखने को मिल रही है ये हमारे इंडिया सर के लिए पेंडिंग है, अभी तक नहीं दी गई है, तो हो सकता है गाइस ये कटाना की स्किन आप लोग हमारे इंडिया सर पर नेक्स्ट टॉप इवेंट देखने को मिल जाए, यानी कि आज रात 12 बजे आने वाले टॉप इवेंट में। सो कहने का मतलब यही है कि अगर आप लोग को आज हमारे इंडिया सर पर रात 12 बजे बाद लेस इज मोर का या डबल डायमंड का टॉप इवेंट देखने को नहीं मिलता है तो आप लोग ऐसा कोई टॉप इवेंट दिया जाएगा जो हमारे इंडिया सर के लिए पेंडिंग रखा गया है, जैसे कि भाई आप लोग को अभी जो टॉप इवेंट देखने को मिल रहा है हमारे पिछली बार के हेलोवीन इवेंट का है, मतलब कि जो मास्क की स्किन दी गई है पिछली बार के हेलोवीन इवेंट के आप लोग को मास्क की स्किन टॉप इवेंट देखने को मिल रही है। सो या तो भाई आप लोग को आज रात 12 बजे लेस इज मोर या डबल डायमंड में से कोई एक टॉप इवेंट देखने को मिल सकता है, वरना भाई आप लोग कोई पेंडिंग टॉप इवेंट दिया जाएगा, जैसे कि मैं आप लोग को बताया। रही बात गाइस आप लोग को लेस इज मोर वाला टॉप इवेंट कब देखने को मिलेगा, मतलब कि 100% कंफर्म अपडेट तो यहां पर नहीं है, लेकिन अगर आप लोग टॉप अप करने के बारे में सोच रहे तो गाइस आप लोग को इसी मंथ में हमारे इंडिया सर पर लेस इज मोर वाला टॉप इवेंट देखने को मिलने वाला है, इतना जरूर से मैं आप लोग को 100% कंफर्म कर सकता हूं। और लेस इज मोर वाला एकमात्र ऐसा टॉप इवेंट है जिसमें आप लोग को बहुत कम पैसों में बहुत ज्यादा डायमंड मिल जाते हैं, अगर आप लोग की आईडी में 0 से 40 डायमंड के बीच होते तो भाई आप लोग को लगभग 90 या 180 रुपए में 520 डायमंड क्लेम करने को मिल जाता है, यानी कि आप लोग को एक वीकली के बराबर डायमंड एक साथ मिल जाते हैं। तो अगर आप लोग भी टॉप अप करने के बारे में सोच रहे हो तो भाई सोच समझ के टॉप अप करना, क्योंकि इसी मंथ में आप लोग को लेस इज मोर वाला टॉप इवेंट देखने को मिलने वाला है, क्योंकि आप लोग को पता है हेलोवीन लेडीज का इवेंट आएगा तो भाई गिरने वाले आप लोगों से डायमंड तो खर्च करवाएंगे, डायमंड खर्च करवाने के लिए भाई आप लोग को टॉप अप करवाएंगे, टॉप अप करवाएंगे तो भाई आप लोग को लेस इज मोर वाला टॉप इवेंट जरूर से देंगे। सो इसलिए आज मैं स्पेशल टॉप इवेंट की आप लोग के लिए वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि काफी ज्यादा बंदे नोटिफिकेशन से आते हैं, अगर मैं कोई और टॉपिक वीडियो डालता भाई आप लोग उसके अंदर बता दे तो काफी बंदों को पता नहीं लगता, सो मैंने आप लोग को आज बता दिया है। बाकी आज के लिए इतना ही, होप करता हूं आप लोग को वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मिलते हैं ऐसी कोई न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। Fearless.